हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइज, बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे ज़मीन का कागज मेरा दियाद नहीं दे रहा है, कैसे हम कहां से निकालेंगे और कैसे निकलेगा। तो उसी विषय पे आज हम वीडियो लेके आए हैं गाइज। अगर आपका भी कोई दियाद आपका पेपर नहीं दे रहा है ज़मीन का, किसी भी प्रकार का पेपर है गाइज ज़मीन का, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सारा सल्यूशन है कैसे आप पेपर निकाल सकते हैं घर बैठे गाइज, अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपके मोबाइल में नेट इंटरनेट काम करता हो, एंड्रॉयड मोबाइल हो जिसमें नेट आपके पास हो, तो आप खुद निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहते हैं इस चैनल पर। एजुकेशनल वीडियो ही सारा अपलोड होता है गाइज, चाहे जैसा भी एजुकेशनल हो। तो चलते हैं बिना किसी देर के मोबाइल के स्क्रीन पे गाइज। सबसे पहले गाइज, आप किस टाइप का पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। ज़मीन में बहुत सारा पेपर होता है गाइज, खतियान होता है, पुराना खतियान होता है, रिविजनल खतियान गाइज जो 1971-72 में हुआ था, 1960 से 71-72 तक में हुआ था, वो रिविजनल खतियान है, और 1898-99 ईस्वी में हुआ था वो कैंडस्ट्रल खतियान है गाइज। तो जो भी अगर पुराना खतियान आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 1898-99 ईस्वी वाला कीजिएगा, जिसका आपको साइट पर जाने के बाद कैंडस्ट्रल लिखा होगा, कैंडस्ट्रल खतियान। और नया वाला खतियान अगर चाहिए गाइज तो रिविजनल लिखा होगा, जो नेट पर भी यानी कि पहले से उपलब्ध है। और ये पुराना वाला गाइज अभी अपलोड किया ही है बिहार में, खासकर दूसरा जगह पहले से भी था, बिहार में अभी अपलोड हुआ है नया नया। तो गाइज, आप अगर सही में खतियान डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे केवाला डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे जिस किस भी प्रकार का वीडियो अगर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं गाइज, तो इस वीडियो को आप देखिए। चलते हैं गाइज, सबसे पहले क्या करना है गाइज, आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, जो प्रत्येक एंड्रॉयड फ़ोन में पहले से दिया रहता है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में गाइज टाइप करना है लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड टाइप करने के बाद गाइज सर्च कीजिएगा, तो सबसे ऊपर में आपको होम पेज लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन, इसी पर क्लिक करना है गाइज। अब इस पर क्लिक करने के बाद गाइज, इसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ सबसे बहुत सारा ऑप्शन है गाइज, जिसमें सबसे ऊपर में एक नंबर पर है डिजिटली साइंड भू अभिलेख, दूसरा है ऑनलाइन म्यूटेशन, तीसरा है गाइज ऑनलाइन भू लगान पेमेंट, चौथा है रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पांचवा है ई मापी, और छठा है ऑनलाइन कन्वर्सेशन ऑफ चेंज इन लैंड यूज टैप, तो सातवा है गाइज डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स, यानी कि आप नक्शा लाना मंगवाना चाहते हैं गाइज तो 7 नंबर में है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अभी गाइज हम खतियान आपको अपलोड करके दिखाएंगे कैसे आप डाउनलोड कीजिएगा खतियान। खतियान डाउनलोड करना हम सिखाएंगे इस वीडियो में। और गाइज, हम एक प्राइवेट अमीन है, अगर ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन करना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, हम उसका सल्यूशन लेके आएंगे। तो गाइज, अगर आप खतियान डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ जो है डिजिटल साइन भू अभिलेख, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरह से आएगा लिखा हुआ। तो यहाँ गाइज सबसे दो ऑप्शन है, डिपार्टमेंट लॉगिन और पब्लिक लॉगिन। ये जो है गाइज डिपार्टमेंट लॉगिन, ये सिर्फ सरकारी आदमी के लिए है जो डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, और पब्लिक लॉगिन ये वाला है गाइज। तो आप पब्लिक लॉगिन वाले पर क्लिक कर लीजिएगा पहले एक बार। पब्लिक लॉगिन वाले पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर दीजिएगा, और मोबाइल नंबर दे के गाइज यहाँ एक्सेप्ट डिस्क्लेमर का ऑप्शन है गाइज, इस पर टिक कर दीजिएगा एक बार। इस पर टिक करने के बाद गाइज यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो एक ओटीपी आपके इसी नंबर पे भेजा जाएगा। उससे पहले गाइज बता दें कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखे हैं तो पहले आपको अपना आईडी बनाना होगा। तो आईडी बनाने के लिए गाइज यहाँ पहले ये हम दिखा देते हैं, यहाँ से जाएंगे कैंसिल करके बैक, और गाइज न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ नीचे में लिखा हुआ है। अगर आप नया यूजर है, पहली बार गाइज इस साइट पर आए हैं, तो यहाँ
न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कीजिएगा और यहाँ गाइज अपना आप मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पे, और मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट कीजिएगा गाइज, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से हम जाएंगे बैक, और बैक जाने के बाद गाइज यहाँ से फिर से डिपार्टमेंट वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पब्लिक लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे, तो फिर से मेरा हमारे मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा गाइज। इस ओटीपी को डाल के यहाँ हम लॉगिन होंगे। इस ओटीपी को डालने के बाद गाइज लॉगिन होंगे हम, और यहां से पहले गाइज अपना मोबाइल नंबर सही से फिलिप करना है, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद गाइज लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब जो गाइज ओटीपी आएगा इसी ओटीपी को यहाँ पे पेस्ट करके हम सबमिट कर देंगे। अब गाइज ये साइट इसका खुल गया है। इसी तरह से आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिएगा, उसके बाद गाइज यहाँ जो है डॉक्यूमेंट टाइप में आपके कौन सा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड खतियान डाउनलोड करना चाहते हैं गाइज, तो यहाँ सेलेक्ट टाइप पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा गाइज, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा तो पुराना खतियान डाउनलोड होगा। उसके बाद गाइज यहाँ ऑफिस नेम में रिव्यू एंड लैंड रिफॉर्मेंस डिपार्टमेंट ये पहले से रहेगा सेलेक्ट। डिस्ट्रिक्ट आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ज़िला से आते हैं गाइज वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज अंचल यहां से सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी अंचल से आप आते हैं उस अंचल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज यहां मौजा सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी मौजा से आप बिलोंग करते हैं, आपका ज़मीन जिस मौजा में पड़ता है गाइज उस मौजा को यहां से इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज अगर आपके पास खाता और खेसरा नंबर मालूम है, प्लॉट का जो नंबर होता है गाइज मालूम है तो पेस्ट कर दीजिएगा, अगर नहीं मालूम है आपको ये सब नहीं मालूम है तो सर्च पर सीधे क्लिक कीजिएगा तो उस मौजा का जितना भी पेपर है गाइज सब आ जाएगा उसमें। सबसे पहले गाइज ऊपर में जो पीडीएफ है रेड कलर में, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज अब इसमें आपको ढूंढना है, आपका जो है नाम से ढूंढना है। अगर आपको प्लॉट नंबर मालूम नहीं है तो आपके अपने दादा परदादा के नाम से होगा, उस नाम को यहाँ ढूंढना है, खोजना है कि कहाँ है वो नाम। यहाँ ओपन हो रहा है गाइज, देख रहे हैं, तो इसमें दो ठो तीन ठो दिया हुआ है गाइज, 342, 343 और 344, तीन मौजा का दिया हुआ है। इस तीनों मौजा में गाइज जो भी आपको चाहिए उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सपोज कीजिए गाइज मुझे इस पेपर को डाउनलोड करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर में गाइज आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज जिस भी पीडीएफ में आपका है यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी लिखा हुआ है इस पर रहने देना है गाइज, और विथ डिजिटल सिग्नेचर, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ मोबाइल पर मंगवाना चाहते हैं गाइज तो 20 रुपया लगेगा एक पेज का। अगर आप विदाउट डिजिटल सिग्नेचर का डाउनलोड मारना चाहते हैं गाइज तो सिर्फ 10 रुपया लगेगा। जैसे भी हो आप जैसे डाउनलोड करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं गाइज, देख रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज इस तरह से आप यहाँ से गाइज सेंड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। उसके बाद गाइज पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट का, पेमेंट करने के बाद तुरंत आपका डाउनलोड हो जाएगा।
तो इसी तरह से गाइज आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा तरह का पेपर चाहिए गाइज तो उसके लिए भी आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जितना मेरा